Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Our third feature of our democracy is one person, one vote and one value. तो आइए स्टूडेंट इस फीचर को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं इसके बारे में. स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल्स हुए हैं वो किस तरह से आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जुड़े हुए थे. हालांकि इस प्रिंसिपल को अब ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लिया गया है कि हर व्यक्ति को वोटिंग का राइट होना चाहिए, बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हम देखते हैं कि कैसे लोगों को वोटिंग राइट्स से, जो उनका वोटिंग का राइट है उसे कैसे अभी भी वंचित रखा गया है. अभी तक उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स. तो पहला एग्जांपल हम देखेंगे कि अनटिल 2015 इन सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. हम सऊदी अरब की बात करें तो 2015 तक वहाँ की जो वुमेंस थी, औरतें थीं, उनको वोटिंग का राइट नहीं था. यानी कि वो सऊदी अरब की जो वुमेंस थी, औरत थी, वो वोट नहीं डाल सकती थी. नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. एस्टोनिया के बारे में हम देखें तो यहाँ के जो सिटीजन्स के जो रूल्स थे, सिटीजनशिप के जो रूल्स है, वो कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ पीपल थे, मतलब जो रूसी माइनॉरिटी में जो लोग आते थे, उनको वोटिंग का राइट हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी. बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा था. नेक्स्ट पॉइंट है इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज़ सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. देखिए फिजी की अगर हम बात करें, जो आपका साउथ पैसिफिक में है, वहाँ के जो इलेक्शन सिस्टम था तो वहाँ के जो मूल निवासी थे, ठीक है, उनके वोट का वैल्यू जो था वो जो इंडियन फिजी थे, जो मतलब इंडिया के जो भारत के जो मूल फिजी नागरिक थे, उनके वोट से ज़्यादा था. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि वो बेस्ड है, डेमोक्रेसी बेस्ड है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स में सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए. दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये हमें हमारी डेमोक्रेसी का तीसरा जो फीचर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है उसको जानते हैं हम. इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. यानी कि डेमोक्रेसी में हर वयस्क नागरिक को, यानी कि हर अडल्ट सिटीजन को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का एक इक्वल वैल्यू होना चाहिए. जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. ये हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का नेक्स्ट फीचर जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. Please subscribe our channel of EduFun classes. Thank you for watching.